हेलो एवरी वन दिस इज़ प्रज्ञा पांडे फ्रॉम राउस अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भोपाल एंड दिस इज आर स्पेशल सीरीज ऑन डेली न्यूज रिव्यू इन आर प्रीवियस वीडियो आई हैव फ्यू सी देयर सोल्यूशन फर्स्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज आफ्टर चाइना विच इज़ द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट द ट्रेड प्लस सेटलमेंट साइकिल एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया सो बेसिकली ट्रेड सेटलमेंट की जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो एक टू वे प्रोसेस होती है वेयर दी परचेज सिक्योरिटी आर डिलीवर टू द बायर एंड द सेलर रिसीव द कैश सो यहाँ टी स्टैंड करता है सो so, इसको इस तरीके से समझ लीजिए टी हेयर स्टैंड फॉर द ट्रांजेक्शन डेट है न मतलब वो डेट जहाँ पर ट्रांजेक्शन प्लेस किया गया है वेयर एज नंबर वन टू या थ्री जो होते हैं ये डिनोट करते हैं आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ द ट्रांजेक्शन डेट द सेटलमेंट और द ट्रांसफर ऑफ मनी एंड सिक्योरिटी ओनरशिप टेक्स प्लेस सो इसको डिटरमाइन करने के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है टी प्लस वन टी प्लस टू एंड टी प्लस थ्री का कॉन्सेप्ट सो so, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं टी प्लस वन सेटलमेंट साइकिल का यहाँ मतलब हुआ कि जो भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट होंगे दे मस्ट बी डन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन फॉर एग्जाम्पल अगर टी प्लस वन के अंदर कोई कस्टमर किसी भी शेयर को खरीदता है फॉर एग्जाम्पल वेंसडे को राइट दे वुड बी क्रेडिटेड टू द कस्टमर्स डी मेट अकाउंट ऑन थर्सडे सो दिस इज टी प्लस वन विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स वेयर एज अगर हम टी प्लस टू सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा अगर किसी ने शेयर वेंसडे को खरीदा है तो जो डी मेट अकाउंट में इसका क्रेडिट होगा वो फ्राइडे को दिखाई देगा सो दिस इज समथिंग यू शुड कीप इन माइंड चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दिलीप महानोवेज विच वॉज अवार विद द पद्म विभूषण अवार्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वॉज असोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशन एंड करेक्ट आंसर इज डॉक्टेड

का कॉन्सेप्ट यहां पर क्रिएट कर दिया है सो so, ये पूरा आर्टिकल और जो पेशावर में रिसेंटली मॉस्क के अंदर सुसाइड बॉम्बिंग का ब्लास्ट हुआ है इट शोज़ कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिसी है गुड एंड बैड टेररिज्म की ये उसके ऊपर ही कितनी भारी यहाँ पर पड़ गई है रिसेंटली हमें पता है जो पेशावर में एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ पेशावर में मॉस के अंदर एक सुसाइड बॉम्बिंग हुआ लगभग 300 से ज़्यादा लोग यहाँ पर प्रे कर रहे थे 100 से ज़्यादा जाने इसमें क्लेम किया जा रहा है कि जाने गई हैं और अभी भी बॉडीज़ को रिकवर किया जा रहा है ये जो अटैक यहाँ पर हुआ है ये अटैक हुआ है बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे बोला जाता है टीटीपी या फिर हम इसको बोल सकते हैं ये लिखा हुआ है आपके सामने टीटीपी इट इज तारीख ए तालिबान पाकिस्तान सो देखिए ये तारीख ए तालिबान पाकिस्तान का अटैक पाकिस्तान के ऊपर भारी किस तरफ से पड़ा जब तालिबान ने कैप्चर किया था काबुल को 2021 में 21 में तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के इमरान खान इन्होंने प्रेस किया और बोला कि ठीक है पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान ने फाइनली अपनी जो स्लेवरी की कड़ियां हैं उन्हें तोड़ दिया और फ़ाइनली अफगानिस्तान आज़ाद हो गया एंड बाय दिस स्टेटमेंट ही स्टार्टेड प्रेजिंग दी गुड टेररिज्म वर्सेज द बैड टेररिज्म अल्टीमेटली रिजल्टेड इन टू पाकिस्तान में ये जो अटैक हुआ है जिसकी वजह से ये जो परिभाषा है ये पूरी तरीके से यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है कि गुड और बैड कुछ नहीं होता इट इज़ ओनली टेररिज्म वहीं अगर हम बात करें तो देखिए जब से आ, पाकिस्तान इस तरीके के कॉन्सेप्ट अपना रहा है आप देखेंगे कि खैबर पखतु पख्तनवा की जो बॉर्डर है आ, अफ़गानिस्तान वाली वहाँ से लेकर पाकिस्तान में सिंस 2021 ट्वेंटी वन अगर आप नोटिस करें तो ये जो इनफैक्ट टेररिस्ट जो अटैक्स हैं वो यहां पर बढ़ते हुए ही नज़र आ रहे हैं सो so, पाकिस्तान का ये जो कॉन्सेप्ट रहा है गुड और बैड वाला ये उस पर ही बैकफायर करते हुए नजर आ रहा है बिकॉज टी के जितनी भी एक्शंस यहाँ पर हैं वो इस बात को डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि फॉर देम नो मैटर वेदर द कंट्री इज इस्लाम बेस्ड और नॉट वॉट एवर दे मीन व्हाट एवर दे वॉन्ट दे विल गेट इट फ्राम नो मैटर फ्राम विच कंट्री सो अगर हम बात करें टी की या फिर अफगानी तालिबान की तो ठीक है दोनों अलग अलग जगह से जरूर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं जो इनकी आइडियोलॉजी है दैट इज़ वेरी सिमिलर सो पाकिस्तान में 2014 के पेशावर स्कूल बॉम्बिंग ब्लास्ट के बाद भी ये जो सीख है इन्होंने यहाँ पर नहीं ली है और ये पॉलिसी इन पर बैक फायर करती हुई नज़र आ रही है आज की डेट में वैन पाकिस्तान इज सर्वाइविंग विद द करेंसी पाकिस्तान एक बेल आउट लोन के लिए अप, अपील कर रहा है आई एम एफ के पास दिस इज़ अ हाई टाइम वैन पाकिस्तान थिंक सीरियसली थिंक अबाउट कि यस This is the terrorism. There is no definition for the good and the bad. सो so, समझ लेते हैं पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री के रूप में कैसे काम कर रहा है जब हम नाइनटीन की बात करते हैं तो ये वही समय है जब इंडिया ने पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया है ना एक ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को इंडिया ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया और फाइनली लिबरल कर दिया किसको बांग्लादेश को एंड सिंस देन पाकिस्तान को ये चीज़ पता चल गई कि इंडिया को किसी भी वॉरफेयर में हराना मुश्किल है सो सिंस देन दे डिसाइडेड कि इंडिया को अलग अलग टुकड़ों में ठीक है अलग अलग टुकड़ों में इंडिया को ब्लीड करवाएंगे और इस तरीके की स्टेटमेंट हमने पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के मुँह से कई बार सुने भी हैं सो टू डी स्टेबिलाईज इंडिया एंड इंडियन गवर्नमेंट वॉट इज़ हैपनिंग कोवर्ट वॉरफेयर प्रैक्टिस ये यहाँ पर करते हैं जहाँ पर जो आई एस है और यहाँ की जो आर्मी है ठीक है वो मिलकर सपोर्ट करती है सीधा जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन से उनको फंडिंग करने में हेल्प करते हैं बहुत सारे वॉरफेयर इंस्ट्रूमेंट्स इनको यहाँ पर पहुँचाते हैं शेल्टर भी देते हैं जो ऐसे टेररिस्ट हैं जिनको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है जब वो जाकर शरण ले लेते हैं पाकिस्तान में तो दे डू नॉट इवन डिस्क्लोज देयर लोकेशंस सो बिकॉज ऑफ़ ऑल दिस जितनी भी हमें टेरर ऑर्गेनाइजेशन देखने मिलते हैं लश्कर तैयार की बात तैयबा की बात करें मुजाहिदीन की बात करें खालिस्तान जिंदाबाद के जो नारे लगते हैं कश्मीर हमारा है जो नारे लगते हैं इस सारी सिचुएशन को अगर हम देखें तो ये जितना भी पाकिस्तान ने यहाँ पर अफ़गानिस्तान वॉर के टाइम यहाँ अफग़ानिस्तान मुजाहिदीन वाले कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया इंडिया की तरफ और और सिंस देन ये गुड के कॉन्टेक्स्ट में आ गए कि दिस इज गुड टेररिज्म एंड दिस इज बैड टेररिज्म सो इसी सब का रिजल्ट रहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट निकल कर आया टीपीपी ठीक है तहरीके तालिबान ए पाकिस्तान 2002 में ये आ चुका था लेकिन 2007 में ये पब्लिकली अपने आप को अनाउंस कर देगा और प्लेज करेगा अपने अलाइंस को अफगानिस्तान तालिबान के साथ सिंस पाकिस्तान तालिबान शेयर्स कॉमन आइडियोलॉजी विद द अफगानिस्तान तालिबान बट द टू ग्रुप्स सेपरेट ऑपरेशन एंड कमांड स्ट्रक्चर सो यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट अमंगज सो अदर दैन टेररिस्ट अटैक आज की डेट में पाकिस्तान डुअल चैलेंज को फेस कर रहे हैं एक तरफ अगर हम बात करें तो टेररिज्म दूसरी तरफ इसके पास इकनॉमिक कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है गैस का क्राइसिस हो रखा है करेंसी बिल्कुल टैंक आउट हो रखी है फॉरन रिजर्व पाकिस्तान के पूरी तरीके से फॉल हो चुके हैं जो पावर सिचुएशन है यहाँ की वो वापस से गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इनकी ऊपर डेप्ट बहुत ज़्यादा है और जिसकी वजह से ये आईएमएफ से बेल आउट फंड की भी डिमांड कर रहे हैं एक तरफ इतनी सारी इकोनॉमिक थ्रेट हैं और दूसरी तरफ इंटरनल सिक्योरिटी टीपीपी जैसे थ्रेट भी पाकिस्तान के सामने है सो दिस इज़ अ हाई टाइम कि जब हमें देखना होगा कि पाकिस्तान इस पूरी सिचुएशन से कैसे डील करता है चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जी एस पीपल फ्री इकनॉमी एंड एनवायरमेंट देखिए बात यहाँ पर की जा रही है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राइटर एक एनर्जी इकनॉमिस्ट हैं ये बात कर रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी के बारे में बात करना या इस पर रिलाई करना इज नॉट अलोन द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया सिंस वी ऑल नो कि इंडिया ने एक सोलर एनर्जी टारगेट यहाँ पर लिया हुआ है पेरिस एग्रीमेंट भी है हमारे पास अंडर विच इंडिया ने विजन किया है कि वो नेट ज़ीरो एमिशन को अचीव कर लेगा बाय ट्वेंटी सेवेंटी अलॉन्ग विद डैट इंक्रीज करेगा अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी टू फाइव हंड्रेड गीगा वॉट बाय ट्वेंटी थर्टी विद डैट इंडिया ऑल्सो प्लेस्ड कि वो मीट करेगा फिफ्टी ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट ओनली फ्राम द रिनबल सोर्सेस और रिड्यूस करेगा जो कार्बन इमीजन है बाय वन मिलियन टन बाय ट्वेंटी थर्टी अलोंग विद डैट इन्होंने बात इंडिया ने बात करी है कि वो रिड्यूस करेगा इमेजन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया जी डी पी बाय फोटी फाइव परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी सो दिस इज समथिंग इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट प्लेज हैं और इस सब के बीच में एक ही नाम बार बार निकल के आ रहा है दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी और जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो बार बार हम सिर्फ सोलर एनर्जी पर ही फोकस दिखा रहे हैं ऑल राइट सो राइटर यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पर रिलाई करना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन फॉर इंडिया सो अगेन राइटर इज़ सेइंग कि नो डाउट अगर जब हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की सन की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन ब्लाइंडली सिर्फ और सिर्फ बिना कंपेरेटिव स्टडी के आगे बढ़ना इज़ नॉट करेक्ट येस इंडिया इज़ प्रमोटिंग वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसे प्रोग्राम्स को इंडिया को ऑप ट्वेंटी सिक्स में यहाँ पर प्रमोट कर रहा है जिसके अंदर इंडिया चाह रहा है कि ओ एस ओ डब्ल्यू ओ जी इज़ दी सन नेवर सेट्स और जो भी इसके पार्ट हैं कंट्रीज़ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के अंदर लगभग 80 कंट्री आज की डेट में इसका पार्ट है जो सारे के सारे तीन फेजेस में मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्ल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं लेकिन वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की विच इज़ सी ई एज़ पर दैट अगर इंडिया को ट्वेंटी थर्टी तक जो हम बात करें फाइव हंड्रेड गीगा वॉट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को अपना बढ़ाना या इंस्टॉल करने की बात की जा रही है तो हमें लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपीस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी सो दिस वॉट राइटरियर इज टॉकिंग अबाउट कि जब हम पहले यहाँ पर फ्लॉ की बात करते हैं सोलर पावर की प्राइस वर्सेज कोल पावर के प्राइस में सो देयर इज अ डिफरेंस जब फर्स्ट फ्लॉ की बात करें तो एक तो रॉन्ग कंपेरिजन किया जा रहा है सोलर पावर का विद दी कोल इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि यहाँ पर जो लोड सेंटर होते हैं इंस्टेंट कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जब हम बात करें लॉजिस्टिक सो लॉजिस्टिक को यहाँ पर कर दिया जाता हैलकुलेट so किया जा रहा है तो उसके लॉजिस्टिक अमाउंट को भी यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है एंड दिस वॉट इज सेम ये बोल रहे हैं सीई ए विच इज देंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की मूविंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाई वोल्टेज वायर्स इज चीपर देन मूविंग कोल वहीं जब दूसरी तरफ बात की जा रही है सोलर एनर्जी की तो देखिए इसमें जो स्टोरेज इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए जिन बैटरी का यूज किया जा रहा है उनको प्राइसिंग की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है सो बाय डिफॉल्ट ये हमें देखने में तो ऐसा लग रहा है कि प्राइज इज लो बट ओरिजिनलिटी अगर हम बात करें तो यहाँ तो लॉजिस्टिक को भी काउंट किया जा रहा था कोल में लेकिन यहाँ पर सेव करने के लिए स्टोरेज बैटरी को सेव करने को भी यहाँ पर काउंट नहीं किया जा रहा विच इज़ द सेकेंड फ्लो फ्लॉ एज पर द राइटर हेयर तो यहीं पर इनके आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हो तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट यही आ रहा है कि फाइनेंशियल वायबिलिटी को अगर देखें तो उसको मिस गाइड यहाँ पर किया जा रहा है क्यों क्योंकि आप जो स्टोरेज बैटरी का कॉस्ट है उसको यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे हैं सेकंड पॉइंट अगर बात की जाए तो जितनी भी सब्सिडीज़ और कंसेशन गवर्नमेंट यहाँ पे दे रही है उसकी वजह से एक हैंडी सिचुएशन हमें बनती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से लोग क्या हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अभी आगे तो बढ़ रहे हैं बट जब एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ से सब्सिडीज़ या कंसेंसेशन हटा दिए जाएंगे तो शायद एक फॉल बैक हमें देखने के लिए मिल सकता है अलोंग विद दैट जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है कि फोर्स किया जा रहा है इंडस्ट्रीज को और डिस्कॉम्स और स्टेट पॉलिसीज के थ्रू कि वो क्या करें इस सोलर पावर एनर्जी का यहाँ यूज करें ऑल राइट सो वॉट विल हैपन जब इन्हें फोर्स किया जाएगा तो ये मार्केट में जाएंगे मार्केट में जाएंगे डेप्ट लेंगे और जब डेप्ट लेंगे तो बाई डिफॉल्ट हमारी इकोनॉमी पे एक बर्डन होता हुआ हमें दिखाई देगा और इनकेस अगर इनमें से कोई भी कंपनी या डिस्कॉम इस बर्डन को कंप्यूट नहीं कर पाए कर पाएंगी तो बाय डिफॉल्ट ये पूरा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा और यही आर्ग्यूमेंट यहाँ पर राइटर दे रहे हैं सो so वहीं इन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज भी सजेस्ट किए हैं तो इनका बोलना है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हमें लार्ज हाइड्रो पावर की तरफ या मूव करने की आवश्यकता है क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर देख के लो कार्बन निकलता है और बहुत ही कम कॉस्ट हमें देखने के लिए मिलती है अगर हम आज के डेट तक बात करें तो इंडिया ने जो इसका हाइड्रो पोटेंशियल है सिर्फ और सिर्फ उसका पंद्रह प्रतिशत ही यूज़ किया है जबकि हम बात करें यूएसए यूरोप जैसी कंट्रीज़ तो ये नाइन्टी से नाइन्टी एट परसेंट पोटेंशियल यहाँ पर अचीव कर चुकी है सो so, इंडिया ने जितने भी कमिटमेंट दिए हैं जीरो कार्बन एमिशन एंड एवरी एल्स वो इंडिया डायरेक्टली अचीव कर सकता है विद दी हेल्प ऑफ लार्ज हाइड्रो पावर अलॉन्ग यहां पर बात की जा रही है कि चाइना भी रिलाई करता है रिन्यूएबल एनर्जी पे सो so इसकी वजह से वो क्या करता है ज्यादा से ज्यादा कोल और हाइड्रो पावर पर फोकस करता है और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें यांगजे रिवर पर थ्री गॉड पॉइंट देखने के लिए मिल सकता है जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है विच शोज कि यस दे आर अवेयर विद देयर पोटेंशियलिटी एंड दे नो कि इससे जीरो कार्बन मिशन आएगा एज वेल एज दे कैन जनरेट मोर एंड मोर इलेक्ट्रिसिटी सो दिस इज़ अ टाइम वी आर राइडर इज सेंग दैट इंडिया शुड ऑल्सो फोकस ऑन दी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट रादर देन कि हम बिल्कुल ब्लाइंडली सोलर एनर्जी पर ही रिलाई करें सो दिस नेक्स्ट आर्टिकल इ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर जी एस पी पर वन सोशल इशूज बिकॉज यहाँ पर बात की जा रही है आइडिया और थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जिसको प्रपोस्ड किया है प्रपाउंड किया गया था बाय दी कार्ड मार्क्स सो सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्कस्ड कॉन्सेप्ट है ये सोशल पॉलिटिक्स की जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी की हम यहाँ पर बात करते हैं सो so, जो यंग मार्क्स हैं उनने उसको यहाँ पर डेवलप किया था सो कार्लमार्क्स बेसिकली फर्स्ट डिस्कस दिस एलिनीशन कॉन्सेप्ट इन इकनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट एंड लेटर एलैबोरेटेड ऑन इट इन हिज सेमीनियल वर्क कैपिटल ठीक है सो कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी इससे परिचित हैं ये क्वेश्चन जो हैं ये जो वन लाइनर्स यहाँ से लाइन्स निकल के आती हैं यह आपके डायरेक्टली प्रीलियम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं लाइक थियोरी ऑफ एलिनीशन इज प्रपाउंडेड बाई होम ऑलराइट या थ्योरी ऑफ एलिनीशन को जो सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया गया था वो कहाँ पर एक्सप्लेन किया गया था तो दीज आर द कॉन्सेप्ट दैट यू शुड बी अवेयर विद सो बाय हिज ऑल स्टडी इन्होंने ये स्टडी किया कि कैसे जो एक लेबर क्लास होती है वो कंटिन्यूसली एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सफ़र करती है और सर्वाइव करती है साथ ही ये लेबर क्लास को किस तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है इनको बिल्कुल पूछा नहीं जाता है जब भी पॉलिसी मेकिंग्स की बात होती है किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट्स की यहाँ पर बात होती है ये जो लेबर क्लासेस को पूरी तरीके से सेग्रीगेट कर दिया जाता है इन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सो बेसिकली गोइंग बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ दिस आर्टिकल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि चार टाइप के जो एलिनीशन होते हैं जो कार्लमार्क्स ने डिस्कस किए हैं कि वो ऐसे चार कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जो लेबर क्लास है इसे इग्नोर किया जाता है सो so पहले ये बात कर रहे हैं एलिनीशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम देअर प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो लेबर खुद डिज़ाइन कर रहा है उन्हें डेवलप कर रहा है ठीक है वो उस तरीके से डिजाइन और डेवलप करे जा रहे हैं जो कि बाद में वो खुद भी यूज़ नहीं कर सकता ठीक है एक वर्कर के पास कोई भी कंट्रोल नहीं रह जाता ओवर व्हाट ही और शी इज़ इंटेंडेड टू प्रोड्यूस ठीक है या कोई भी स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट में अगर देने की बात की जा रही है तो दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दैट रादर जो पूरा डिसीजन मेकिंग पावर हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक कैपिटलिस्ट के हाथ में ही रहता है सो so बेसिकली जो लेबर क्लास एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रही है फॉर एग्जाम्पल कार मोबाइल या किसी भी चीज को प्रोड्यूस हो कर रही है वो कभी भी उसको एस्पायर नहीं कर सकते उसको कभी भी होल्ड नहीं कर सकते और ये इंश्योर करती है एक कैपिटलिस्ट सेटअप एक कैपिटलिस्ट सेमी और इस तरीके से पहला जो कॉन्सेप्ट आ जाता है एलिनिएशन का वो यहाँ पर प्रूफ करता है अपनी बात सेकेंड अगर हम यहाँ पर बात करें सो दैट इज एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन सो so, जब एक प्रोडक्शन गुड या सर्विसेज का जब यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है एक सोशलिस्ट सोसाइटी में तो वो रिपीटेटिव है वो मैकेनिकल हो जाता है विच मीन्स बार 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 एक ही काम होना कोई साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन यहाँ वर्कर को नहीं मिलता सो so, लेबर को इस तरीके से यहाँ पर फील होता है कि यस दिस इज जस्ट द मीन्स ऑफ सर्वाइवल दे आर डूइंग बट दे आर नॉट इवन इन्जॉइंग द वर्क वॉट दे आर डूइंग that means again whatever work they are doing they are alienated from that particular work rather in ke upar ek psychological pressure aa jata hai ek mechanical cheez hame yaha pe dekhne milti hai ki ye bar 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 ek hi kaam karte ja rahe hain without even enjoying that particular work only for their means of survival next अगर हम बात करें, third point is alienation of the worker from the species essence यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखने के लिए नज़र आता है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की ह्यूमैनिटी नहीं रह जाती एक जो व्यक्ति होता है कोई महिला या पुरुष उसको उसके पोटेंशियल यहाँ पर बताए जाते हैं एक कैपिटलिस्ट मोड यहाँ पर इंश्योर करता है कि जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर किया जा रहा है वो इस तरीके से किया जा रहा है कि मार्केट जो पूरा है वो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी ही यहाँ पर होल्ड करेगी इनको सिर्फ एक मशीन समझ लिया जाता है कोई इंसान यहाँ पे नहीं समझा जाता जो भी ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया जाता है वो इनह्यूमन ट्रीटमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं सो so, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर नजर आता है जिस तरीके से एक रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल का सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए इन अ सिमिलर वे जो वर्कर्स होते हैं उनका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उनसे कोई अटैचमेंट यहाँ पर नहीं होता और जो पूरा का पूरा क्रेडिट होता है वो एक फाइनल प्रोडक्ट के लिए होता है बट देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच विद द वर्कर क्लास नेक्स्ट फोर्थ एंड द लास्ट वन इज एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम द अदर वर्कर कैपिटलिस्ट सेटअप में इस तरीके से कंडीशन इंश्योर की जाती है कि ये जो वर्कर्स हैं ये आपस में कनेक्ट नहीं हो ऑल राइट सो दैट इनको एक दूसरे की कंडीशन यहाँ पर नहीं पता होगी जो कंपीट है एक दूसरे के अगेंस्ट वो यहाँ पर ये यह नहीं कर पाएंगे तो एक कॉम्पिटेटिव लेबर मार्केट जो है वो यहाँ पर हमें नहीं दिखाई देगा राधर क्या होगा कि जो मैन्यूपुलेशन है कैपिटलिस्ट के द्वारा वो बहुत आसानी से किया जा सकता है सो एज़ द टाइम पासिस ये जो एलिनिएशन की थ्योरी है ये हमें यहाँ पे चेंज होती नजर आएगी अलग अलग राइटर्स आएंगे जो इसको अलग अलग क्रान और लोवी जैसे जो बोलेंगे कि सोशल साइकोलॉजिकल सेंस पावरलेसनेस मीनिंगलेसनेस नॉर्मल सेंसलेस सेल्फ एस्ट्रंजेंट ये सारे फैक्टर्स भी यहाँ पर आएंगे बहुत uh, सारी ऐसी थ्योरीज हैं जो ये भी बोलेंगी कि uh, ये जो असेंबली लाइन वर्कर्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा एलिनीशन को यहाँ पर फेस करते हैं जिसमें हम बात कर सकते हैं सच एज फिजिशियन टीचर और दी अदर प्रोफेशन फीलिंग लीस्ट एलिनीटेड ये वो ग्रुप है जो सबसे कम एलिनीशन यहाँ पर फीस फेस करता है लेकिन जब हम असेंबली लाइन वर्कर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा एलिनीशन फेस करते हैं सम ऑथर्स सजेस्ट जो एलिनिएशन की फीलिंग है ये सेक्टर टू सेक्टर डिफर कर सकती है और इन सबको एक ही कैटेगरी में नहीं डाला जा सकता चलिए सो क्रिटिसिज्म की बात कर लेते हैं सो so, मार्क्स ने यहाँ पे एक्सप्लेन तो कर दिया है कि कंडीशन क्या है बट उससे निकलने का रास्ता यहाँ पर क्या हो सकता है इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं और क्या एलिमिनेशन के लिए यहाँ पर प्रोसेस अपनाई जा सकती है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया गया नेक्स्ट वी टॉक अबाउट तो मार्क्सिज्म ऑन द क्लास एंड इग्नोरिंग ऑफ सेग्रीगेशन सो ये सेग्रीगेशन के फॉर्म क्या है इनको यहाँ पर नहीं ब्रीफली डिस्कस किया गया वहीं अगर हम बात करें लेबर मार्केट एज वेल एज इट्स लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन ऑफ These have changed considerably. जब हम काल मार्क्स की थ्योरी की बात कर रहे हैं जिस समय में उन्होंने लिखी थी और जब हम आज की डेट की बात कर रहे हैं तो ये पूरी कंडीशंस, टाइम टाइम पर यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं सो द टर्म एलिएशन इज सो पॉपुलर दैट इज इट इज लोडेड विद द मीनिंग्स ठीक है सब्जेक्टिव so, so एक्सपीरियंस के लिए इसका यहाँ पर यूज होने लगा है जो इसका टाइप है वो यहाँ पर चेंज होता हुआ हमें नजर आ रहा है चलिए आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है सो डू लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट टू नेवर मिस एनी अपडेट्स ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू गिव विंग्स टू योर प्रिपरेशन डू विजिट इट राउज अकेडमी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वी हैव टू ब्रांचेज वन एट भोपाल एंड अदर वन एट इंदौर साथ ही आप नीचे दिए गए क्यू आर कोड को स्कैन करके और भी जानकारी ले सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात की जा रही है जी एस पेपर थ्री के लिए इकोनॉमिक्स के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जहाँ बात की जा रही है इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे की देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर प्रेजेंट किया गया उसमें बात की गई है इंडिया की जो जी ग्रो है वो सिक्स रहेगी इन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सो so, संसद में जो बजट सत्र यहाँ पर आने वाला है उसके एक दिन पहले जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन ने इकोनॉमिक सर्वे को यहाँ पर पेश किया है और इसके हिसाब से जो हमारी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ रहेगी वो सिक्स परसेंट से सिक्स पॉइंट एट परसेंट के आसपास रहने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है ठीक है वहीं अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला कि आईएमएफ के अनुसार अगर देखा जाए तो 6.1 परसेंट के हिसाब से इंडिया क्या करेगा ग्रोथ करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई देगा अलोंग विद डैट आईएमएफ एम एफ के अकॉर्डिंगली दो में देखा जाए तो भारत तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में जहां पर बात करें अगर अमेरिका की हम ग्रोथ रेट की तो दैट इज़ 1.4 परसेंट चाइना की बात करें विच इज़ 5.2 परसेंट और यूरोप की 0.7 परसेंट और भारत की अगर हम विकास दर की बात करें दैट इज परसेंट तो ये सबसे ज्यादा है एस पर दी आईएमएफ वही नेक्स्ट कुछ और भी अच्छी बातें आई हैं बेरोजगारी दर जो है वो हमारी गिरकर सिर्फ 4.2% के आसपास रह गई है और इस तरीके से एक बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट हमें देखने के लिए नजर आ रहा है अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी डी ग्रेट के बारे में या ग्रोथ के बारे में तो कोविड के बाद जो भारत की रिकवरी रही है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें यहाँ पर देखने मिली है वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर तो बेरोजगारी दर जो घटकर फोर पॉइंट टू परसेंट हो गई है जो कि दो हज़ार और 19 में इट वाज 6.5 परसेंट दैट मींस दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज वेरी इम्पोर्टेंट समाज के उस पर्टिकुलर वर्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो सरकार के बजट से एक उम्मीद यहाँ पर लगा कर बैठते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें डेवलपमेंटल इंजन को लेकर तो जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें यहाँ पर हमें सुधार देखने के लिए मिला है जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में मदद करेगा साथ ही यहाँ पर बहुत अच्छा एस्पेक्ट भी निकल कर आया है जब इंडिया की हम हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2022 के मुकाबले अगर हम देखें तो लड़कियों के जो रजिस्ट्रेशन है वो स्कूलों में हमें ज़्यादा देखने के लिए मिले हैं वहीं 2023 तक ऑलमोस्ट 22 करोड़ इंडियंस ने आयुष्मान भारत योजना का यहाँ पर लाभ उठाया है वहीं 2014 के मुकाबले अगर हम देखें दो में जो हेल्थ के ऊपर सरकार के खर्चे हैं वो 64.2 परसेंट से घटकर 48.2 परसेंट रह गए हैं दैट मीन्स सरकार के ऊपर जो बर्डन है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता हुआ हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है सो so ये तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं आपको बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ने की आवश्यकता है चलिए थोड़ा सा इतिहास यहाँ पर समझ लेते हैं इकोनॉमिक सर्वे की जब बात की जाती है तो ये एक एनुअल रिपोर्ट होता है इकोनॉमी का जिसको प्रेजेंट किया जाता है एक दिन पहले बजट की जो कि एग्जामाइन करता है परफॉर्मेंस जो हमारी हर साल की एक परफॉर्मेंस रही है किस सेक्टर ने कितनी ग्रोथ करी है फ्यूचर मूव्स हमारे क्या हो सकते हैं इन सब की जानकारी देने की जो एक रिपोर्ट होती है जो एक पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने आता है दैट इज इकोनॉमिक सर्वे सो so, ये जो सर्वे प्रिपेयर किया जाता है इट इज बात करें तो अनंत नागेश्वर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है जो सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे इंडिया में आया था प्रिपेयर किया गया था फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 1950-51 में और उस समय जो सर्वे था वो प्रेजेंट किया जाता था यूनियन बजट के साथ हालांकि बाद में इसको 1964 के बाद से इसको अलग अलग एक दिन पहले यहाँ पर प्रेजेंट किया जाने लगा हर साल इकोनॉमिक सर्वे की एक थीम होती है जो हर सर्वे से यहाँ पर अलग होती है वहीं अगर हम बात करें जो थीम है इकोनॉमिक सर्वे 2023 की इज लाइकली टू टेक नोट ऑफ इन्फ्लेशन लेवल प्रेशर ऑन द इंडियन रुपीज ड्यू टू आरबीआई टाइटनिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बारे में बात यहाँ पर की जाएगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग और किस तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ इंडियन बैंकिंग सेक्टर में यहाँ सुधार लाया जा सकता है ये इस पूरी इसकी थीम रही है वहीं हम बात करें सर्वे की तो ये इंडिया की इकोनॉमी का पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं so it's time for current oriented one liners and first news is mr shanti bhushan the former law minister and the backers of basic, stru basic structure of indian constitution dies at age of 97 next indian army's exercise topchi 2023 held in deolia maharashtra it is a made in india weapon showcase and it is the annual firepower demonstration and training exercise. Next, Vishakapatnam will be the new capital of Andhra Pradesh. Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy said that the plan to develop Amravati as the capital has been scrapped. Andhra Pradesh government is also organizing a global investor summit in Vishakapatnam on 3rd and 4th of March. नेक्स्ट फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 6.4% परसेंट ऑफ जीडीपी इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 गवर्नमेंट इज ऑन द ट्रैक टू अचीव द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23 एज पर द सर्वे इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन मेनली लेड बाय द प्राइवेट कंजम्पशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन सो इसी के साथ आपके पास आज का एक मीन्स का क्वेश्चन है हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था रिगार्डिंग सोलर एनर्जी सो क्वेश्चन फॉर मीन्स इज एनालाइज द मैरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सोलर एनर्जी कैन वी से इट इज़ द राइट ऑल्टरनेटिव फॉर इंडिया टू स्विच टू क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी एक्सप्लेन चलिए सो इट्स अ क्वेश्चन टाइम एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलेटेड रिलीज द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज